बाज़ार से जो हम सूप लाते हैं वो टेस्ट में तो बहुत मज़े का होता है, मगर मसला तब होता है जब हमने सूप फिनिश भी नहीं किया होता और वो जमना स्टार्ट हो जाता है और हमें मजबूरन आखिर का जो सूप होता है उसे हमें छोड़ना पड़ता है। तो आज आपके साथ बहुत ही परफेक्ट, सिंपल और ईजी हॉट एंड सॉर की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप आखिर तक फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना सिंपल एंड ईजी चिकन वेजिटेबल सूप। तो यहाँ पर सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे और यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्चें, इसमें ऐड करेंगे विनेगर 3 से 4 चम्मच और इसको ऐड करके इसको साइड पर रख देंगे। चिकन हमने लिया है 300 ग्राम, अगर आपके पास 200 ग्राम है तो वो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमने ली है वेजेस, शिमला मिर्च ली है 1/2 कप, बंद गोभी लेंगे 1 कप, थोड़े से मटर लिए हैं जो कि 1/2 कप से भी कम है, एक गाजर ली है जिसे मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में काट ली हैं। तो अभी यहाँ पर कढ़ाई में हमने लिए हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल के, और जो कि वेजेज़ हैं इनको हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि इससे इनका जो कलर है सूप में पकने के बाद भी बहुत फ्रेश रहेगा। ये स्टेप करने से जो हमारी सब्जियां होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे इनको हाई फ्लेम पर और फिर निकाल लेंगे। अब यहाँ मज़ीद 1 चम्मच ऑयल का लेंगे और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को इतना फ्राई करेंगे कि जो कच्चे से लहसुन की अदरक की जो एक खुशबू होती है वो ख़त्म ना हो जाए। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए। बहुत से लोग ये स्टेप नहीं करते, वो क्या करते हैं कि पानी में ही चिकन लहसुन अदरक डालकर चिकन को गला लेते हैं। इससे क्या होता है, सूप में एक अजीब सी खुशबू आती है। तो ये दोनों स्टेप जो हैं वो आप लाजमी किया करें। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लीटर पानी और 1 चम्मच नमक का डालेंगे इसमें और इसको इतना पकाएंगे कि ये चिकन जो है वो हमारी नरम हो जाए। तो 25 मिनट पकने के बाद चिकन हमारी सॉफ्ट हो गई है तो इसे हम निकाल लेंगे और जो यखनी है इसमें वेजेस को ऐड करेंगे। वेजेस को ऐड करने के बाद 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ मैंने लिया है चिकन पाउडर 1 चम्मच, इससे हमारे सूप का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा हो जाएगा। 1 चम्मच हम चिकन पाउडर का इसमें शामिल करेंगे। मिक्स करके ढककर इस सूप को हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर चिकन को रेशा करेंगे, हाथ से चिकन को रेशा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इससे बहुत इजीली ये काम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से कितनी आसानी के साथ चिकन का रेशा तैयार हो गया है। तो 10 मिनट हो चुके हैं सूप को पकते हुए, तो इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। तो जब तक हमारा चिकन सॉफ्ट होता है सूप में, हम इसके लिए एक सॉस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में ऐड करेंगे चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस लेंगे 1.5 चम्मच, विनीगर लेंगे 2 चम्मच, अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप 1 चम्मच ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम सूप में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर सूप को गाढ़ा करने के लिए हम लेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे थोड़े से पानी में हल करेंगे। बाज़ार से जो हम सूप लाते हैं वो टेस्ट में तो बहुत मज़े का होता है, मगर मसला तब होता है जब हमने सूप फिनिश भी नहीं किया होता और वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इतना ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे, बस 4 चम्मच जो है वो इसके लिए इनफ होगा। तो सूप को इससे ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। अब यहाँ पर अंडे को फेंट कर डालेंगे। बहुत से लोग सफ़ेदी डालते हैं लेकिन मैंने पूरा अंडा ऐड किया है और इसका सही तरीका ये है कि थोड़ा सा अंडा ऐड करें और फौरन से इसको मिक्स ना करें। तो बस वक्फे वक्फे से इसमें अंडा ऐड करते जाएं और इसको हाथ रोककर मिक्स करते जाएं। तो देखें कितने इजी और सिंपल तरीके से हमने बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ता और साफ़ सुथरा सूप घर पर ही तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरी ये आज की टेस्टी और इजी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अगर देखने में अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।